फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार किया है, जहां वो एक लॉज में रह रहे थे। लेकिन इस मामले को लेकर अब एमपी और छत्तीसगढ़ में घमासान छिड़ गया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसी भी नियम को तोड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल की माने तो कालीचरण के परिवार और उनके वकील को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। 24 घंटे से पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नियम नहीं तोड़े हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है, और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को एमपी के खजुराहो से सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए एमपी से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।